नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। ज्ञान व्यापी मस्जिद में आज का सर्वे पूरा हो गया है। जहां सुबह 8 बजे से मस्जिद में सर्वे चल रहा था, वहीं अधिकतर दीवारों की सर्वे टीम ने वीडियोग्राफी की है। कमिश्नर ने सर्वे की रिपोर्ट तैयार की है। बता दें कि मस्जिद में तहखाने का सर्वे कल फिर होगा। हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि सारे सबूत हमारे पक्ष में हैं। इस दौरान पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। 13 मई को पटना हाई कोर्ट में उनकी शारीरिक पेशी होनी थी, लेकिन वो कोर्ट में नहीं पहुंचे। इस बात से नाराज होकर पटना हाई कोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। दरअसल न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने 27 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें 11 मई को फिजिकल रूप से हाई कोर्ट के समक्ष पेश होने और ये बताने का निर्देश दिया था कि वो निवेशकों का पैसा कैसे लौटा सकते हैं, क्योंकि वो 11 मई को पटना नहीं आ सके। इसलिए मामले को 12 मई के लिए स्थगित कर दिया गया था और 13 मई को कोर्ट में उन्हें पेश होने का आदेश दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि वो नहीं आए तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत राय पटना हाई कोर्ट नहीं आए तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिलों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही हर मंडल के लिए 3-3 मंत्रियों का समूह बनाकर जिलों में भेजा गया है। जहां विकास कार्यों की समीक्षा, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर फीडबैक लेकर मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। वहीं औरैया जनपद में पहुंचे चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिशु कल्याण विभाग के राज्य मंत्री केशवर शरण सिंह ने जनपद में पहुंचकर दलित के घर भोजन किया, जिसके बाद 100 शैया अस्पताल और नवनिर्माण हो रहे मेडिकल कॉलेज में चल रहे काम को लेकर भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते नाराजगी भी दिखाई। अभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बैठक में जो भी कमी आएगी उनको निर्देश दिया जाएगा। 23 फरवरी तक जो कार्यदायी संस्था बता रही है कि ये विवाद नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खबर रायबरेली से है, जहां भाजपा के कद्दावर नेता, वर्तमान एमएलसी और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। यहां उन्हें सबसे पहले सरेनी पहुंचकर शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्य मंत्री सभी सम्मानित नागरिकों, पार्टीजनों एवं निर्वाचित स्थान ब्लॉक सभागार विकास खंड सरेनी जनप्रतिनिधियों के साथ भेंट कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं क्षेत्र के प्रधानों और अन्य जनमानस की समस्याओं को भी सुना और हर तरह से जनपद में विकास करने का आश्वासन भी दिया। निश्चित तौर से एक जनप्रतिनिधि का जो उद्देश्य और दायित्व होता है, वही हमारा भी उद्देश्य है। मैं इन क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद और वोट से निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ। मेरा दायित्व है कि इनकी बातें सुनना और उनकी समस्याओं का निदान करना। मैंने उसी क्रम में आज सरेनी, लालगंज और डलमऊ का आज दौरा मैंने किया है। लोगों की समस्याएं सुनी हैं, जो समस्याएं सामने आई हैं उनका निदान मैं अपनी सरकार से कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। यथाशीघ्र सरेनी की नहरों में पानी आए, ये मेरा। आज एडीजी जोन लखनऊ एक दिवसीय दौरे पर उन्नाव पहुंचे, जहां सदर कोतवाली में उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और वृक्षारोपण भी किया। सदर कोतवाली उन्नाव का एडीजी ने निरीक्षण भी किया। इतना ही नहीं, कोतवाली पहुंचकर उन्होंने अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। साथ ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही साथ पुरानी विवेचनाओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर SPCO सिटी आशुतोष कुमार, कोतवाल ओम प्रकाश राय और निरीक्षक क्राइम अवधेश कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। लखनऊ जोन के अंतर्गत 88 शराब माफिया पर गैंगस्टर लगाया गया, जिनकी लगभग 25 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर में जब्त भी की गई। 3 पर रासुका भी लगाया गया।
इसी प्रकार से गौ कसी करने वाले को तस्करी करने वालों के खिलाफ भी अभियान छेड़ रखा है और चार महीनों में 231 गौ तस्करों गौ कसी करने वालों पर गैंगस्टर लगाया गया। 3 पर अफरा भी लगाई गई है। भारी संख्या में रेवाड़ी अपराधी भी पकड़े गए हैं। 460 अपराधियों को हम लोगों ने जलावतर कराया है। 618 अपराधियों की चिट्ठी खोली है और 266 जो क्राइम करने वाले गैंग थे उनका गैंगों का पंजीकरण किया गया है। शासन के आदेश पर मिशन शक्ति के तहत कार्रवाई की जा रही है। महिला बीटों को एक्टिव किया गया है और हर हफ्ते गांव में जा रहे हैं अन्य विभाग के लोग भी। खबर कुशीनगर से है जहां अपराधियों के खिलाफ लगातार पुलिस अभियान चला रही है। वहीं इसी क्रम में कोतवाली हाटा पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिल के साथ 8 शातिर वाहन चोरों को दबोचने में सफलता हासिल की। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण के नेतृत्व में जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शातिर चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत हाटा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस क्रम में 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 8 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की है। ये मोटरसाइकिल ये आसपास के जनपदों से चुराया करते थे और उसे विभिन्न जगहों पर बेचने का कार्य किया करते थे। ये सारे जो अभियुक्त हैं ये मुर्दा देवरिया जिले के निवासी हैं। इस क्रम में ये किनको वाहनों को बेचने की प्रक्रिया में थे इन सारी चीज़ों की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है और दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक कलियुगी बेटे ने कथित तौर पर अपनी बुजुर्ग माता पिता की कैंची से गोद कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपत्ति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद के खेड़े पुल स्थित हनुमान नगर गली नंबर 5 में गुरुवार देर रात शराब के नशे में बेटे ने माता पिता का कैंची से गोद कर हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। ताऊ ताऊ ही हमारे नहीं रहे अब इसको, जैसा कि भैया ने जो वारदात करी है उसकी वजह से काफी गंभीरता है हमारे घर में। तो वारदातों का कारण कुछ पता लगा? वारदातों का कारण अभी हमें ऐसा कुछ पता चला नहीं है कि क्योंकि मौके वारदात पे जो कैंची मिली थी एक वो मिली है जो पुलिस को मिली है। बाकी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा हुआ है। बाकी हमारे पिताजी और ताऊ जी हैं जो बड़े वो सब बी के हॉस्पिटल में ही हैं। वहाँ पे सबको सुबह पता पड़ा जी, सुबह हमारे पास फोन आए तो जब हम आए तो हमसे पहले डेड बॉडी को ले गए पुलिस वाले। क्या पता लगा था? हमको पता ये पड़ा कि उन लड़के ने मार दिए। ये एक बुजुर्ग दंपत्ति है जो गली नंबर 5 हनुमान नगर में अपने मकान में रह रहे हैं, पलवल के रहने वाले पीछे से, और इनका बेटा करीब 38 से 40 साल उम्र है। उसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, जिसने अपनी मम्मी पापा की कल करीब 2 से 3 बजे के बीच में रात को लोहे की कैंची गले वगैरह में घोप कर हत्या कर दी है। नहीं, अभी मामला विचाराधीन है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है और हमारी टीमें उसको ढूंढने में लगी हुई है, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। जहां मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला के गले से बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली, वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि इंद्रापुरम के शक्ति खंड 3 की घटना है। मुरादाबाद पुलिस ने नृपेंद्र हत्याकांड का खुलासा किया है। नृपेंद्र की हत्या उसकी बीवी कुसुम पाल उर्फ गीता ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके वारदात का खुलासा किया है। हत्या में शामिल 2 अन्य लोग अभी भी फरार हैं। गिरफ्तारी के बाद गीता ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब पीकर उसे आए दिन मारता पीटता था। दरअसल पूरा मामला थाना सिविल लाइन इलाके का बताया जा रहा है।
खबर अलीगढ़ से है, जहां अतरौली तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस के सामने 4 साल से 3 अलग-अलग मामलों में महिलाएं जमीन बचाने के लिए तहसील में धरना दे रही हैं। घर से खाना पीना लेकर सुबह 9 बजे तहसील पहुंच जाती हैं, शाम 5:30 बजे तक बैठी रहती हैं ताकि कोई बैनामा ना करा सके। तीनों महिलाओं के मामले अलग अलग है, एक महिला अपने पति, दूसरी महिला अपने देवर और तीसरी महिला अपने सास ससुर पर तहसील में बैठकर नजर रखती है। तीनों महिलाओं को डर है कहीं ये लोग आकर किसी को बेनामा ना करा जाए। महिलाएं छुट्टी का दिन छोड़कर रोजाना तहसील समय से पहुंच जाती हैं। ये मामला है कि मेरी सौतेली सास है, पहली हमारी सास मर चुकी, सौतेली सास है, वो अपने जमीन बेच रहे थे, अपने लिए रखना चाह रही है, हमें कुछ ना देना चाह रही, हमारे कोर्ट में चलाए। कौन कौन सी कोर्ट में है? एक तो यही बड़ी कोर्ट है, न्यायालय के में कौन सी है में? और एक दो चल रहे हैं, एक और चल रहा है, मारपीट का उन्होंने लगा दिया है हमारे ऊपर, हमें ही खुद मार के जामे और हिस्से बंटवारे तो कर दिए, हमारा हिस्सा हम जोत रहे हैं, बाकू मान न रहे कोर्ट में। 7 दफे भया ये मेरे संग, मेरी लोड़िया टेंटियाँ पकड़ के उठा दी, नहीं टीन के पास कर दी, नहीं मैं बटन बुन नहीं तो कुर्सियाँ मारे जा रही वहाँ के नीचे, शरीर में जब मेरी लोड़ियाँ छोड़ी आके निकल आई, काबू से पता लगा लिया, 2 कार भर के आई। कौन लोग थे वो? अब पता ना भैया, हम ना जाने। हमारा ये है कि हमारा देवर जो हमारा हमारे हमारे आदमी तो ख़त्म है गई, बोनों के लिए तो कुछ ना मिला देखने के लिए, अब हम बच्चे रह गए तो बच्चों के नाम आए गए, और अब हमारे देवर जो बच्चों के लिए देना ना चाह रहा, आ गए बंटवारे में, आगे आवे तो आगे ना दे रहा, पीछे पीछे के हमें दे रहा, बच्चों के लिए हमारे लिए दे रहा है, और आगे आगे का अब जबरदस्ती सड़क के किनारे का, सड़क के किनारे का जबरदस्ती से वो बेच रहा है। मेरे पति है खेत बेच रहा है और बेच के वो चले आते हैं, 10 बीघा बेच दी, जो बच्ची कुछ 12 बीघा उसे रखा रही हूँ। कहाँ रहते हैं आपके पति? पता नहीं। आपके साथ नहीं रहते? नहीं। कितनी सालों से? उन्हें 5 साल हो गई, 4। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।